बाय बाय कर लो लब्बू, बाय। फिर तुम लोग कब आओगे? आएंगे पता नहीं, 15 तारीख को। 15 दिन का एक महीना पड़ा है। ये लब्बू भी जा रही है। अरसु बाय लवण्या, बाय बाय कर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है कमला पंती ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग में 10 बजे शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ मेहमानों को बुलाया था, चाय वाय करी तो वो लोग चले गए चाय पी के, और मुझे टाइम नहीं मिला अभी नहाने का। अब थोड़ी देर से नहाऊंगी, और बच्चे भी रेडी हैं कल के ही, और उन्होंने भी नहा के अभी मम्मी के साथ भोपाल जा रहे हैं। ये थोड़ा दुख है क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने में मुझे दिक्कत आएगी, मैं अकेली क्या करूँगी। बच्चे हैं तो थोड़ा मजा आता है, अब सुनापन रहेगा हमारे घर में। बच्चे मम्मी के साथ भोपाल जा रहे हैं, और आप लोग मेरे ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अभी देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। क्यों लावण्या जाओगी? तो बनाना नहीं है क्योंकि है अभी बना हुआ, तो फिलहाल तो मेरे काम कर लेती हूँ घर का, फिर रेडी होते हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने काम से जा रही हूँ थोड़ा, और ये बच्चे जा रहे हैं भोपाल, तो उन्हें बाय करते हैं अपन। बाय बाय कर लो लब्बू, बाय। फिर तुम लोग कब आओगे? आएंगे पता नहीं, 15 दिन का एक महीना पड़ा है। ये लब्बू भी जा रही है, अम्मा भी जा रही है। अम्मा तो लेके जा रही है, अम्मा ही लेके जा रही है। फोन लगा देना है। ओके जी, बैग तैयार हो चुके हैं भैया, इन लोगों के तो जी रेडी खड़े हैं। ज्यादा ले अरसु, बाय लवण्या, बाय बाय कर, बाय बाय। हाँ चलेगा, या होगा या घर सूना मुझे, और इनको लगेगा बहुत बुरा। अब देखो कैसे क्या करेंगे हमें, मुझे तो बहुत टेंशन सी हो रही है कि घर में मैं और ये रहेगा, हम दो जने हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे अब देखते हैं। अभी फिलहाल तो मैं मार्केट जा, मार्केट में आई थी, और फिर मुझे बिंदी के पत्ते भी लेना थे, तो मैं भैया की दुकान पे आई हूँ। मैं आपको मिलवाती हूँ भैया से, बहुत अच्छे सामान रखते हैं भैया। ये भैया कब से दुकान है ये आपकी? 5 साल हो गए ना। क्या नाम है? और ये हमारे जीतू भैया हैं, इनकी बहुत और काफी अच्छे सामान मिलता है इनकी दुकान पे। भैया बहुत अच्छे कंगन भी रखते हैं, चूड़ियां रखते हैं, और क्या क्या रखते हो भैया? मैं तो ज्वेलरी में सब रखते हैं, पर्स वर्स देखिए, बहुत प्यारे प्यारे पर्स हैं। अच्छा है भैया, है ना। तो मैं इनकी दुकान पे, वैसे तो हमारे शॉप के नीचे ही है शुभ मंगल साड़ी भूतेश्वर पे, और वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन आज बिंदी के पत्ता लेने थे तो उस वजह से मैं उनकी दुकान पे आई हूँ। तो बहुत अच्छी से अच्छी वैरायटी रखते हैं, तो चलते हैं फिलहाल अभी घर पे। मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेकर आई आज, आज तुम्हें सिर्फ बिंदी के पत्ते लेकर आई हूँ। मुझे जो अच्छी लगी, मैं गई थी उनके यहाँ घूमने, बहुत अच्छी शॉप है उनकी भैया की, तो क्या वही हमारे शॉप के नीचे ही है, तो मैं देखती रहती हूँ, सामान बहुत अच्छा है उनके यहाँ का। और मैं गई थी तो मैंने कहा चलो मैं बिंदी लेके जाती हूँ, बिंदी बहुत अच्छी है, फोटो भी खींच लाई हूँ लेके आने के लिए। तो अब जब घर में शादी आएगी तब और भी सामान लेंगे, और अभी मैं फिलहाल घर में आ गई हूँ, मैं बनाऊंगी चाय पीऊंगी। और आज मेरा घर बहुत सूना सूना लग रहा है, मेरे तीनों बच्चे नानी के यहाँ चले गए हैं, बच्चे भी मामा के यहाँ जाएंगे, तो थोड़ा उनका भी मन बहलता है, पूरे साल भर रहेंगे ही रहते हैं, तो इस वजह से मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो अब देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है, कि कैसा चलता है अपनी लाइफ, थोड़ी उदास से रहेंगे, वहाँ पे सबको अच्छा लगने लगा होगा। चलते हैं, हवा बहुत तेज तेज चल रही है, चद्दरों की आवाज़ आ रही है, देख के आती हूँ कौन सी चद्दरें हिल रही हैं, क्या हो रहा है। नीचे काम कर रही थी, चलते हैं लाइट जलूंगी पहले। और आ गए अपन, हवा चल रही है यार, देखिए पता नहीं कौन सी चद्दर हिल रही है, बड़ आवाज आ रही है, ये हिल रही है शायद, नीचे इतनी तेज तेज आवाज आ रही है जैसे बंदर कूद रहा हो। तो वही मैं देखने आई हूँ कि छत के ऊपर हो कर आए, इतनी तेज तेज आवाज आ रही है। एक चद्दर के ऊपर मैं ये लगा के भी चली गई इधर, ये हो रही
बहुत तेज तेज इसकी आवाज आ रही शायद। ये वाली हो रही है पता नहीं, ये वाली तो मैंने आड़ कर दी है। देखो कितनी बेचारे पन्नी, ओ भगवान कितनी बर्तन जम रहा है, पन्नी उड़ गई। ऊपर आई हूँ देखने के लिए कि आवाज काय की आ रही है, और बंद ही हो गई है हवा इतनी तेज, मतलब आवाज बंद हो गई, हवा तो तेज चल रही है ठंडी ठंडी। और ये देखिए कितनी तेज तेज चाची की तरह की पन्नी उड़ रही है, बहुत तेज तेज बेचारी पन्नी भी इतनी सारी फट गई हवा के चक्कर में। चद्दर की आवाज़ नीचे इतनी तेज आ रही थी कि पता नहीं कोई कूद रहा हो, और मैं जहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। वाली चद्दर, ये वाली चद्दर उड़ रही है तेज, आवाज़ आई थी अभी की वजह से। वो घर पे कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है, ईद आ रही है, बहुत अच्छी लाइट लग रही है। रात डिग्गे ढाकी थी डब्बे, ये तिरपाल के हटा के यहीं ला रहे हैं वापस, डब्बे ढाके थे। रात ज़्यादा हो गई, सारा मोहल्ला सुन हो गया हमारा। ये देखिए आप, वो दूर पड़ रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है, आ गई। अब गिरी तिरपाल, यहाँ आवाज आ रही है। मैं भी तिरपाल नीचे घड़ी करवाने जा रही हूँ, हम लोग तिरपाल घड़ी कर लेते हैं। जब लाए थे हमारा मकान बन रहा था, पानी गिरने लगा था, बहुत सांप दिया था तिरपाल ने, है ना। तब से हम शायद संभाल के रखे जा रहे हैं। मकान बनते में कई बार पानी गिरा था तो उसको ढाकना पड़ा था, और अभी भी साथ देती है। घड़ी, अब हम जा रहे हैं घर में, और यह रात भी बहुत हो चुकी है। ऊपर है मतनिस की कमी महसूस होगी, वो मतनिस को चढ़ाती हूँ ऊपर, तो ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो कुछ सामान रखना हो उतारना हो वो तनिस उतार देता है। तो अभी उसे कमी हो रही है, वो तो घर में अब बच्चे नहीं है। तो रात के 12:15 बज रहे हैं, और मुझे करना है एडिटिंग, और फिर खाना भी खाना, खाना तक नहीं खाया अभी हम लोगों ने, और क्योंकि कल की थकान है हमें। लाल अभी हम लोग खाना खाएंगे, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।